ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूं दीपिका। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूं, जो है दही मसाला भिंडी। तो ये यहां मैंने दही मसाला भिंडी बनाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ भिंडी लेना है, जिसको मैंने धो लिया है। अब हम इनको थोड़े लंबे लंबे साइज में कट कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे भिंडी को कट कर लिया है, कुछ इतना साइज रखना है आपको। अब हम इनको तेल में फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली हुई है, जिसमें मैंने ऑयल डाला हुआ है। ऑयल आपको इतना रखना है कि आप ये भिंडी फ्राई हो जाए। भिंडी को ऑयल में डाल दिया है। अब हमें 2 से 3 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देना है। भिंडी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये हमारा दही मसाला भिंडी है, तो अब हम दही का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने आधा कटोरी दही लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ।1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, नमक डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने एक दही का पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम दही मसाला भिंडी बनाते हैं। इस पेस्ट में हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। ये ऑयल मैं वही वाला यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, करी पत्ता, एक मीडियम साइज का प्याज और हरी मिर्च। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें दही का पेस्ट ऐड करेंगे। तो दही का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है। अब हमें इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसको फ्राई करना है, और बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है, वरना ये मसाला जो है वो चिपकने लगेगा। ये देखिए, मसाला हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और भिंडी ऐड कर देंगे, और 1 मिनट के लिए थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए, भिंडी को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। और नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि नमक हम पहले ही दही के पेस्ट में डाल चुके हैं। तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। भिंडी रेडी हो चुकी है और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। ये देखिए, मैंने इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब आप इसको रोटी, परांठे या पूरी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये दही मसाला भिंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।